गाइस, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रियल स्टूडियो की एक्सटेंशंस को क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरीके से रियल स्टूडियो की एक्सटेंशंस को क्रिएट किया जाता है। अगर आपने रियल स्टूडियो के मार्केटप्लेस को विजिट किया हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर बेशुमार किस्म के आपको एक्सटेंशन अवेलेबल होंगे। जिस तरीके से यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एक्सटेंशन है, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन आ रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट की पाइथन की एक्सटेंशन आ रही हैं, तो ये एक्सटेंशन आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब भी आपने रियल स्टूडियो की एक्सटेंशन को क्रिएट करना है तो आपने अपने डेवलपमेंट एनवायरमेंट को ऑन कर लेना है। जैसे मैं रियल स्टूडियो कोड के यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब रियल स्टूडियो कोड को ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास रियल स्टूडियो ओपन हो। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात क्या है कि आपने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आप सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। आपने आना है फोल्डर क्रिएट करना है और यहाँ पे आप कोई भी एक्सटेंशन का नाम मेंशन कर दें। जिस तरीके से मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड टाइप कर देता हूँ। इसको टाइप करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। जिसे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे आपके पास यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने टर्मिनल के ऊपर आना है। टर्मिनल पे आने के बाद अब यहाँ पे आपके पास एक डिफॉल्ट पाथ आ रहा है। ये डिफॉल्ट पाथ के ऊपर आपने सबसे पहले टाइप करना है यो कोड। जिसे आप ये टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड करेगा। अब इस इन्फॉर्मेशन का मकसद ये है कि आप जो टाइपिंग करना चाहते हैं, आप जो एक्सटेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, वो एक्सटेंशन इस लैंग्वेज के अंदर होगी। तो आपने आपके पास यहाँ पे डिफरेंट चॉइसेस हैं। आप यहाँ पर टाइप स्क्रिप्टिंग में इसको क्रिएट कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइप स्क्रिप्टिंग चूज करता हूँ। अब जैसे आप टाइप स्क्रिप्टिंग के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टाइप करने के बाद ये आपसे कुछ बेसिक मजीद इन्फॉर्मेशन पूछेगा। अब जैसे इसको अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जो एक्सटेंशन है उसका क्या नाम है। तो आपने यहाँ पे इसके एक्सटेंशन का नाम यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जिससे मैं कहता हूँ कि मेरी एक्सटेंशन का नाम हेलो वर्ल्ड है। अब यहाँ पे जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो नेक्स्ट आपको ये आइडेंटिफायर दे रहा है। अब आइडेंटिफायर आप इसको नॉर्मली ये ही रहने दें, आप इसको जस्ट एंटर करें। अगर आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, आपने इसको एंटर करना होगा। अब यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन की डिस्क्रिप्शन होगी। जिस तरह आपने डिफरेंट एक्सटेंशन यहाँ पे देखे होंगे, अगर मैं आपको यहाँ पे विजिट करवाऊँ, अगर हम किसी भी एक्सटेंशन के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन जो हो रही है, ये डिस्क्रिप्शन आप अगर यहाँ पर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक्सटेंशन अभी फिलहाल कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो हम इसको इसी तरीके से छोड़ देते हैं। आप इसके अंदर बाद में भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, अभी आप फिलहाल इसको इसी तरीके से जान दें। नेक्स्ट, यहाँ पर अभी मैंने कोई भी गिट रिपॉजिटरी यूज नहीं की, तो आपने इसको फिलहाल यहाँ पर एन कर देना है। इसको अपने ऐसे ही रन देना है। यहाँ पर आप नेक्स्ट अगेन आप इसको नो कर दें, ठीक है। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करें npm। जिसे आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो ये कुछ बेसिक आपकी जो फाइल्स हैं उनको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको यहाँ पर ये चीज शो हो रही हो तो ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन इंस्टॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसने तमाम इन्फॉर्मेशन इस जगह पे इंस्टॉल कर ली है। अब हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है, इस ऑप्शन को अगर मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊँ तो कुछ इस तरीके से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप इसको स्किप करना चाहते हैं या इसको ओपन विद कोड करेंगे। अब यहाँ पे ना अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि ऑप्शन क्या है। जब आपने ये एक्सटेंशन क्रिएट की है तो इस एक्सटेंशन में आपको उसने एक फोल्डर क्रिएट करके दे दी है। उस फोल्डर के अंदर उसने मजीद कुछ ऑप्शंस ऐड कर दिए हैं। आपकी जो इंस्टॉलेशन का फोल्डर है वो पाथ चेंज हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है ओपन विद कोड और स्किप। जब हम लोगों ने एक्सटेंशन क्रिएट की थी तो मैंने आपके सामने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया था हेलो वर्ल्ड का। उसके बाद यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट हो गया हेलो वर्ल्ड का, जो हमने एक्सटेंशन का नाम इसे प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पर इसने मजीद कुछ फाइल्स जो ऐड करनी थी वो यहाँ पर ऐड कर दी हैं। अब जो एक्चुअल मेरा जो फोल्डर है वो ये है, जिसके अंदर आपके पास ये डिफरेंट फाइल्स इसने हमें प्रोवाइड कर दी हैं। अब वो हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको डायरेक्टली या तो यहाँ से ओपन कर लें ताकि आप एग्जिस्टिंग जो सही फोल्डर है आप उस फोल्डर को एक्सेस करें, या आप इसको स्किप कर दें। तो मैं यहाँ से इसको स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद मेरे पास जो फोल्डर है उस फोल्डर को मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। इसको ओपन करने के बाद जिसका एक्चुअल में पाथ है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और रियल स्टूडियो को यहाँ से मैंने दोबारा से ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं जो फोल्डर का जो मैंने पाथ कॉपी किया है उसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ये मेरा एग्जिस्टिंग जो फोल्डर है वो ओपन हो चुका है। अब मैं इसकी यहाँ पर आता हूँ, इसको एक दफ़ा दोबारा रिकन्फर्म करता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये डिफरेंट फाइल्स आ गई। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने किस फाइल के अंदर जाके एडिटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट फाइल्स हैं, आपने सेलेक्ट करना है सोर्स फाइल को। सोर्स के फोल्डर में आपने आना है और यहाँ पर आपके पास extension.ts के नाम से
एक फाइल पड़ी होगी, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पहले से एक कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले इस कोड को टेस्ट करना है कि आपकी जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो गई है, प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको रन करने के लिए F5 प्रेस करना है। जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक और VS कोड ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब ये क्योंकि मेरी पहले से कुछ फाइल्स ओपन है इसके अंदर, आपके पास कुछ इस तरीके से ये इन्वायरमेंट शो हो रहा होगा। अब आप कोई फाइल इसके ऊपर ओपन करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर एक फाइल कोई ओपन कर लेता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग। इसको हम कर लेते हैं टेस्ट फाइल और इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ HTML के अंदर। अब यहाँ पर ये मेरी फाइल बन गई है। इस फाइल का बनाने का मकसद नहीं था, लेकिन जस्ट फॉर के आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि आप एक VL स्टूडियो को आपने ओपन किया हुआ है, एक सिंपल फाइल आपके पास मौजूद है। अब आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करना है और यहाँ पर अब आपने टाइप करनी है वो कमांड जो आपने यहाँ पर मेंशन की हुई थी। अब VS कोड के अंदर यहाँ पर जो कमांड है वो हमारे पास है हेलो वर्ल्ड की, लेकिन इसको रन करने के लिए हमने चेक करना है जाकर व्यू के अंदर, एक्सप्लोरर के अंदर, और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फाइल्स हैं। आपने जाना है यहाँ पर package.json के ऊपर। अब package.json के ऊपर आपकी जो ये फाइल बनी हुई है ये आपकी कॉल हो रही है यहाँ पर जो कमांड है। अब कमांड रन होगी आपकी इस टाइटल के टेक्स्ट से, आप इसको बेशक कॉपी कर लें। अब आप वापस अपने VL स्टूडियो के ऊपर आ जाएं और यहाँ से आप इसको कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करें और यहाँ पे आप वो वाला टेक्स्ट टाइप करें तो आपके पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको एंटर करेंगे, जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ नीचे बॉटम पे ये एक टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपकी एक्सटेंशन जो एक्टिव है, यानी कि आपने प्रॉपर्टी तौर पे देख लिया कि आप किस तरीके से एक बेसिक VS कोड की एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। अब मज़ीद हम इनकी कुछ फाइल्स को स्टडी करते हैं कि फाइल्स बेसिकली किस तरीके से वर्क कर रही हैं। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर जो आपके पास एक टेक्स्ट था, यानी कि जब आप एक कमांड रन करते थे तो उस कमांड के अंदर जो टेक्सेशन अपीयर हो रही थी वो ये थी। आप इस टेक्स्ट को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, हेलो फ्रॉम SN, इसको आप सेव कर लें। बाकी किसी भी चीज़ को आपने यहाँ पर चेंज नहीं किया, आपने जस्ट क्या करना है, अगेन इसको F5 प्रेस करना है। जैसे आप इसको F5 प्रेस करेंगे तो नई विंडो अपीयर हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको नई फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करना है। आप जैसे कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करने के बाद आपने जैसे कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस किया तो आपको हेलो वर्ल्ड वो पुरानी वाली जो टेक्सेशन है वो आपको शो होनी स्टार्ट होगी। अब आप जैसे इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर हेलो फ्रॉम SNR है, यानी आप कोई भी मैसेज अपीयर करवाने चाहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि डिफरेंट एक्सटेंशन जब आप एक्टिव करते हैं तो उस एक्टिव के ऊपर मैसेज आ जाता है कि योर एक्सटेंशन हैज़ बीन एक्टिवेटेड। तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं, योर एक्सटेंशन हैज़ बीन एक्टिवेटेड, सेव। और जैसे हमने इसको सेव किया, मैं अगेन इसको F5 प्रेस करूँगा। F5 प्रेस करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट पी और हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर आपको पास आ रहा है योर एक्सटेंशन हैज़ बीन एक्टिवेटेड। तो इस तरह आप डिफरेंट इसके ऊपर चेंजेस करके आप एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जल्दी से इसको ओवरव्यू कर लेते हैं एक दफ़ा कि हम लोगों ने जिस तरीके से ये चीज़ क्रिएट की है तो वो हम दोबारा से देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने क्रिएट करनी है। हमने सबसे पहले VS कोड को ऑन किया। VS कोड को ऑन करने के बाद आपने अपने टर्मिनल के ऊपर आना है और टर्मिनल से पहले आप इसका कोई फोल्डर आप क्रिएट कर लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, ओपन फोल्डर, और फोल्डर में यहाँ पर आप कोई एक्सटेंशन का नाम दे दें, माई एक्सटेंशन, और इसको आपने यहाँ पर सेव कर दिया। अब फोल्डर ओपन होने के बाद आपने क्या करना है कि टर्मिनल के ऊपर आना है। टर्मिनल के ऊपर आपने आने के बाद यहाँ पर टर्मिनल को क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सिंपली लिखना है यो कोड एंटर। जैसे आप इसको यो कोड को एंटर कर लेंगे तो यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपको पूछ रहा है कि आपने टाइप स्क्रिप्टिंग में करना है, आपने जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर करना है, तो मैंने यहाँ पर अपनी टाइप स्क्रिप्टिंग को चूज़ कर लिया। बेसिक एक्सटेंशन का नाम हम इसको अगेन दे देते हैं माई एक्सटेंशन। इस समय मैं इसकी कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, इसके अंदर माई एक्सटेंशन मैंने कर दिया और यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दिया। अगेन आपने कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह देनी है, यहाँ आप मैंशन कर दिए दिस इज सम टेक्स्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ पे अपीयर होगी। आप इसको एंटर कर देते हैं,
नेक्स्ट आपने इसको नो कर देना है, अगेन इसको भी आपने नो कर देना है, और यहाँ पर आपने चूज करना है npm। जैसे आप npm को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ बेसिक्स इन्वायरमेंट यानी कि जो इसकी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे इसने यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया, आपके पास सारे का सारा वर्जन इसका आ गया है जिसमें बेसिक जो इसने एक्सटेंशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी कर ली है, तो यहाँ पे आपके पास एक मैसेज अपीयर हो रहा है। इसको अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर या तो आप ओपन विद कोड करेंगे या स्किप करेंगे। अब यहाँ पर ये ऑप्शन क्यों आ रही है, जब हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था माई एक्सटेंशन का, तो आपने देखा होगा कि माई एक्सटेंशन के नाम से उसने अगेन एक फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर जितनी भी फाइल्स थी वो यहाँ पर उसने इंस्टॉल कर ली, यानी कि मेरी जो एक्चुअल फोल्डर में पाथ था वो चेंज हो गया। तो वो मुझे कह रहे हैं कि डायरेक्टली आप या तो यहाँ से इसको एक्सेस कर लें या आप इसको स्किप कर दें। तो मैं फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ ताकि मैं इसको मैंने खुद से इसको आप एक्सेस कर दूँ। मैंने इसको स्किप कर दिया, स्किप करने के बाद मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं जाता हूँ कि मेरा जो फोल्डर था वो था यहाँ पर माई एक्सटेंशन और ये मेरी एक्सटेंशन की जो फाइल थी वो ये थी। अब मैंने इसका पाथ यहाँ पर कॉपी करना है और पाथ कॉपी करने के बाद मैं VS Code के ऊपर दोबारा से आता हूँ। इसको यहाँ पर मैंने ऑन करना है, यहाँ पर मैं फोल्डर इसका चेंज करके इसको यहाँ पर देता हूँ, ये मेरा फोल्डर है, इसको मैंने ओके कर लिया। तो यहाँ पर मेरे पास जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी एक्टिव हो गई हैं। अब मैंने टर्मिनल के ऊपर वापस आना है, तो मेरा जो एक्चुअल अब जो फोल्डर की जो लोकेशन है वो चेंज हो गई है। पहले मेरी फोल्डर की जो लोकेशन थी वही थी, तो मेरी अब फोल्डर की जो लोकेशन है वही है। तो मैंने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर इसके कुछ फाइल्स को स्टडी करना है। अब फाइल्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपने सोर्स के ऊपर आना है, सोर्स में एक्सटेंशन डॉट टी एस यानी कि जिस तरीके से मैंने मेंशन किया था कि आपने जो भी चेंजेस करनी है वो यहाँ पर आपने करनी है। ये वो टेक्स्ट है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपने लिख दिया हेलो फ्रॉम सिन, यानी इस टैक्सेशन को ये चीज़ कैसे कॉल होगी इस टेक्स्ट की बेस के ऊपर, ये चीज़ आपकी एक कमांड है। ये कमांड रन होगी तो आपके पास जो टेक्स्ट है वो अपीयर होगा। तो ये कमांड बेसिकली का अभी मेंशन है, अगर आप पैकेज डॉट जेसन यानी फाइल के अंदर आते हैं और माई एक्सटेंशन डॉट हेलो वर्ल्ड आ रहा है तो इसमें मेरे पास कुछ यहाँ पर टैक्सेशन है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको रन करूँगा, इसको मैंने कहा कि F5 प्रेस करने के बाद ये कुछ इसको लोड करना स्टार्ट हो गया। तो इसने बिल्डिंग का यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया है कि ये बिल्ड कर रहे हैं। जैसे ही बिल्ड हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर वापस आना है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ और इसको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर वो वाली ऑप्शन नहीं है जिस तरीके से हम लोगों ने पहले हेलो वर्ल्ड यहाँ पर टाइप किया था, ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं आ रहा। तो वो क्या ऑप्शन आएगी, तो याद होगा कि हमने यहाँ पर जो कमांड थी उसका नाम चेंज किया था टेस्ट के नाम से, तो टेस्ट के नाम से मुझे यहाँ पर इसको फाइंड आउट करना होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ और इसको मैंने कहा कंट्रोल शिफ्ट पी और यहाँ पर मैंने लिखा टेस्ट। तो यहाँ पर इस जगह पर ये आपके पास टेस्ट आ रहा है, इसको जैसे मैं यहाँ पर टेस्ट को एंटर करूँगा तो ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड हेलो फ्रॉम SN आ रहा है, यानी इसने मेरी प्रॉपर्टी तौर पे एक्सटेंशन को रीड कर दिया है, उसके टेक्स्ट को रीड कर दिया है। अगर मैं इसके यहाँ पर क्लोज करता हूँ, क्लोज करने के बाद यहाँ पर वापस आता हूँ, तो अब मैं इसको यहाँ पर चेंज करता हूँ, यानी कि अगर मैंने कमांड चेंज कर दी, मैंने इस एक्सटेंशन वाली कमांड को हेलो वर्ल्ड की जगह पे जाके टेस्ट कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको चेंज करूँगा, चेंज करने के बाद मैं दोबारा अगर इसको यहाँ पर F5 प्रेस करता हूँ, अब यहाँ पर मेरे पास अगेन ये स्क्रीन अपीयर होगी। मैंने इसको कहा कंट्रोल शिफ्ट पी, अब कंट्रोल शिफ्ट पी करने के बाद अगेन अगर मैं यहाँ पर टेस्ट लिखता हूँ और यहाँ पे फाइंड करता हूँ और टेस्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक एरर अपीयर होगा। इस एरर की अपीयर होने का मतलब ये है कि उसने कहा कि कमांड टेस्ट रिजल्टेड इन एन एरर, यानी कि उसको वो कमांड नहीं मिल रही जिस कमांड को उसने ट्रिगर करना है। तो उस चीज़ को हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर ये चीज़ आ रही है माई एक्सटेंशन डॉट टेक्स्ट के नाम से, इसको ये चीज़ नहीं मिल रही, टेस्ट के अगेंस्ट ये वाली कमांड नहीं मिल रही, तो इसको देखते हैं ये क्या मसला है। प्रॉब्लम ये है कि जब हमने यहाँ पर एक्सटेंशन माई एक्सटेंशन डॉट हेलो वर्ल्ड कमांड दी थी, कि इस कमांड के रन होने के ऊपर यानी कि ये प्रोग्राम है, इस कमांड के आगे जो टैक्सेशन मेंशन है वो ये है, यानी अगर ये कमांड एक्टिव होती है तो ये टेक्स्ट अपीयर हो। तो वहाँ पर अगर मैं आऊँ तो मेरी यहाँ पे कमांड चेंज है माई एक्सटेंशन टेस्ट के नाम से, और टाइटल जिस टाइटल को हम रन कर रहे हैं उसकी बैक साइड पर ये कमांड रन होगी, इसकी बैक साइड पर ये कमांड रन होगी, जो कि गलत है। यहाँ पर माई एक्सटेंशन डॉट हेलो वर्ल्ड है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर टेस्ट लिखता हूँ डॉट टेस्ट कर देते हैं, टेस्ट करने के बाद मैं सेम ये वाली चीज़ यहाँ से पिक करता हूँ कि मेरी जो कमांड है
वो यहाँ पर चेंज होकर इस जगह पर माई एक्सटेंशन डॉट टेस्ट आ रहे। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब क्या होगा कि यहाँ पर टेस्ट के कमांड रन करने के ऊपर ये कमांड रन होगी, ये कमांड जाएगी एक्सटेंशन डॉट टी एस के पास। यहाँ पर देखेगी कि कोई कमांड यहाँ पर पड़ी हुई है, तो उस कमांड को पर यहाँ पर रिजल्ट चेक करने के बाद वो मुझे अपीयर करवा देगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कहूँगा सेव F5। F5 प्रेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट पी अगेन और टेस्ट मेरे पास आ रहा है। अब मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ, टेस्ट एंटर करने के बाद मेरे पास हेलो फ्रॉम SN आ रहा है, यानी कि मेरा जो एरर आ रहा था अब एरर नहीं आ रहा। तो हमने देखा कि किस तरीके से बेसिक एक्सटेंशन हम क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल बी जॉइन यू इन द नेक्स्ट वीडियो।